अस्सलाम वालेकुम खवातीन हज़रात, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द फ्रेंकिस्तान शो। दिस इज़ मोहम्मद वसीम अहसन कुरैशी एंड द गेस्ट टुडे वी हैव इज़ एन इंस्पिरेशनल पर्सनैलिटी। ही इज़ अ राइटर, ही इज़ एन ऑथर, ही इज़ अ पोइट और ही इज़ अ लेक्चरर एज वेल। तो आज के हमारे शो के अंदर जो गेस्ट हैं उनका नाम है सर ज़ुल्फ़िकार भट्टी। आज के इस शो के अंदर हमारे पास बहुत सारी बातें हैं इनसे डिस्कस करने के लिए रिगार्डिंग हिज पोइट्री, रिगार्डिंग हिज बुक्स, रिगार्डिंग हिज करियर। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ फन एपिसोड एंड इंटरेस्टिंग एज वेल। सो सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस काबिल समझा, दावत दी और मुझसे बात करने के लिए कहा। सर, फर्स्टली मैं चाहूँगा कि हम आपकी बुक के बारे में बात करें जो रिसेंटली रिलीज़ हुई और काफ़ी पूरे पाकिस्तान के अंदर उसकी जो है वो चर्चा रही, अनशेड टीयर्स। जैसा आपने बताया कि ये पोइट्री की बुक है, इंग्लिश पोइट्री की बुक है और रिसेंटली पब्लिश हुई है, फिक्शन हाउस लाहौर ने इसे पब्लिश किया है। और इसकी जो ख़ास बात है, वैसे तो इसमें बहुत सारे थीम्स हैं जो जिन पर पोएम्स हैं, उसके कोई 40 से ज़्यादा पोएम्स हैं जो उसमें हैं, और आम जो ज़िंदगी के हमारे रूटीन के जो थीम्स होते हैं, स्ट्रगल है, होप है, फेथ है, ठीक है, जस्तजू है, उस वो उसकी थीम है। लेकिन जो टाइटुलर पोएम है अनशेड टीयर्स, ये इसमें एक ख़ास बात इसकी ये है कि दिस इज़ द लॉन्गेस्ट इंग्लिश पोएम एवर रिटन बाय एनी पाकिस्तानी पोएट। ये अल्लाह का करम है कि ये एक एजाज़ भी है, मेरे लिए भी है, मेरे शहर हैदराबाद के लिए भी है, मेरे सूबे सिंध के लिए भी है, मेरे मुल्क के लिए भी है, क्योंकि ये एक कौमी सतह का रिकॉर्ड है कि ये सबसे तवील तरीन नज़्म जो है वो इंग्लिश में, ये अनशेड टीयर्स है। इससे पहले इंग्लिश की इतनी लॉन्ग पोएम और कोई इससे पहले अभी तक नहीं छपी है, और माशाल्लाह बहुत सारे होंगे इंशाल्लाह, वो भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं, लेकिन अब तक ये है। अब इस पोएम में ये है कि जो हमारी करंट पाकिस्तान में जो सिचुएशन है, जो ख़ास करके हमारे नौजवानों के साथ जो पोजीशन है, जॉबलेसनेस है, फ्रस्ट्रेशन है, परेशानियाँ हैं, रोज़गार नहीं है, और तो ये इन सब चीज़ों को इस पोएम में, मतलब ये सारे थीम्स हैं, इनका अहाता किया है, एड्रेस किया गया है। और ये कैसे टैलेंटेड यंग मैन की कहानी है, कैसे टैलेंटेड नौजवान की कहानी है इसमें, जो पहले तो हालात के हिसाब से दिल बर्दाश्ता हो जाता है, लेकिन फिर उसे कोई गाइड मिलता है, उसे कोई किसी के साथ उसकी मुलाकात हो जाती है, यहाँ तक कि वो ख़ुदकशी करने के मतलब है कि ना वो लेवल पे चला जाता है, तो वो जो बंदा उससे टकराता है तो वो उसको जब समझाता है, समझाने के बाद वो कहता है कि हाँ नहीं, मैं ख़ुदकशी नहीं करूँगा और स्ट्रगल करूँगा, और जो अपना जायज़ मेरा हक है, जो मेरा राइट है, वो मैं लेके रहूँगा। ये कॉमन मैन की कहानी है जिसमें स्ट्रेस है, डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, ही हैज़ बिकम सुसाइडल। एग्जैक्टली, ऑल ऑफ अ सडन उसको एक गाइड मिलता है जो उसको रिकवर कर लेते हैं। हाँ, उसे बताता है कि ये जो तुम कर रहे हो ना, ये आपके मसाइल का हल नहीं है। ठीक है, आपके साथ प्रॉब्लम है, नो प्रॉब्लम, सबके साथ होते हैं, आपके साथ ज़्यादा है आप कह रहे हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मसला है कि अगर आपके इस काम से जो आप ये करने लगे हो, आप कह रहे हो कि भाई मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स हैं, क्या वो हल हो जाएंगे? आप कह रहे हो कि मैं अपने छोटे भाइयों को अपने सामने भूख से बलगता हुआ नहीं देख सकता, सिसकता हुआ नहीं देख सकता, तो क्या आप सुसाइड करने के बाद वो कुछ अच्छे हो जाएंगे? तो उनके साथ कुछ और ज़्यादा ख़राब हो जाएंगे, उनके साथ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाएंगी, तो वो उनको अच्छा, फिर वो नहीं मानता, बोलता आप जो बातें कर रहे हो ना, ये किताबी बातें। तो वो बंदा जो है वो उसे हिस्ट्री में से बहुत सारी एग्जांपल्स देता है, और सबसे पहला एग्जांपल वो हमारे हैदराबाद शहर के ही जनरल होश मोहम्मद शहीद थे, जिन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मतलब है कि मारका हुआ था यहाँ पे, और उन अंग्रेज़ों को कह सकते हैं हम कि नाकों चने चबवा दिए थे उन्होंने। और तो उनका हवाला देते हैं कि जब अंग्रेज़ों ने जब हैदराबाद पर अटैक किया था, तो यहाँ पर हैदराबाद में कोई ख़ास फौज नहीं थी, तो जनरल होश मोहम्मद जो थे वो किले से निकले और अपने साथ चंद नौजवान लिए, और अंग्रेज़ों की आलीशान फौज और उनके पास हथियार और इनके पास डंडे और तलवारें और पत्थर, उनके पास तोपें तक थीं, और उनसे वो टकरा गए। उन्होंने ये नहीं देखा कि
टारगेट कितना मुश्किल है, उन्होंने ये नहीं देखा कि भाई ये जंग हम लड़ सकेंगे नहीं लड़ सकेंगे, लेकिन एक जज्बा था और उन्होंने अंग्रेज़ों के साथ मतलब है कि उन्होंने तो वो अच्छा इस तरह की जब उन्हें कहानियां बताते हैं तो वो कहते हैं हाँ वाकई हमारा काम ये नहीं है कि हम रिज़ल्ट का सोचें कि रिज़ल्ट निकलना है या नहीं है, हमारा काम ये है कि हम स्ट्रगल करें और नतीजा है अपने खुदा पे छोड़ दें। इंटरेस्टिंग। सो हाउ डिड यू सजेस्ट दिस नेम अनशेड टीयर्स? मैंने जब पहली बार ये नाम सुना था तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा था यार, ये अनशेड टीयर्स एक जो है ना फीलिंग आती है इस नाम के साथ। एग्जैक्टली असल में देखें अनशेड टीयर्स का जो सीधा सा मफहूम तो ये है कि वो आंसू जो आपकी आंखों में रुक गए हैं और वो बहे नहीं हैं अभी। अच्छा जिस तरह ये है ना कि अगर आंसू बह गया है तो आप एक रिलीफ फील करेंगे, बंदा रो लेता है ना तो उसको एक रिलीफ फील होता है, तो एक ऐसा ऐसा दर्द जो अभी मतलब मौजूद है उसका मदावा नहीं हुआ है और रुक गया है, तो ये पोएट जो है वो अपने जो उसके टीयर्स हैं वो उनको शेड करने के बजाय उनको ट्रांसफॉर्म करके पोएम में उन्होंने तब्दील कर दिया है। मतलब ये समझें कि ये जो पोएम है आप इसको पढ़ें, जो भी इसको पढ़ेगा तो ऐसे लगेगा कि ये किसी के आंसू हैं जिन्होंने लफ्ज़ों का रूप धार लिया है। ग्रेट। सो बिसाइड्स दिस बुक अनशेड टीयर के अलावा आपके काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं, हमें उसके बारे में ज़रा बताइए। या इट्स अ लॉन्ग जर्नी, इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी एंड इट बिगेन व्हेन आई वाज इन क्लास 9th। तो जब मैं क्लास 9वीं जमात में था, हमारे ज़माने में बच्चे जो थे, हम बच्चे थे लाजमी बात है, जब हम बच्चे थे तो बुक्स के साथ बड़ी एक उनसियत होती थी, बुक्स के साथ एक मोहब्बत होती थी, तो हम शुरू से ही जब मैं 8वीं जमात में था तो हम मुख्तलिफ़ मैगज़ीन्स छपते थे, उस वक्त हमदर्द नौनिहाल छपता था, बच्चों की दुनिया छपता था, बच्चों का रिसाला छपता था और इस तरह और भी बहुत से थे, बच्चों की दुनिया रिसाला छपता था, टूट बटूट छपता था, सिंधी में हमारा गुलफुल छपता था, और मतलब इन सब रिसालों में, इन बच्चों के रिसालों में मैं लिखता था, तो और मेरी नज़में जो भी थी वो कुछ कहानियाँ थी वो छपती भी थी। तो फिर एक दिन मतलब मुझे ये ख्याल हुआ कि भाई मैं मेरी अपनी भी किताब छपनी चाहिए, हालांकि मैं उस वक्त क्लास 9th में था, मैंने एक अपनी किताब कहानियों की किताब तरतीब दी और वो जब मैं पब्लिशर के पास ले गया तो पब्लिशर ने मेरी उम्र देखते हुए मुझे डांट दिया कि आप क्यों आए यहाँ पे, आप बेटा आप जाके पढ़ो आप। मैंने कहा मुझे किताब, बोला नहीं नहीं आपकी किताब नहीं छपनी है। बहरहाल जब मुसलसल मैं उनके पास जाता रहा किताब लेके मुसलसल जाता रहा तो फिर उन्होंने थोड़ा कंसीडर किया और जब मेरी किताब देखी तो उन्हें ये एहसास हुआ कि ये छपनी चाहिए। तो वो जब मैं 9वीं जमात में था तो वो पहली किताब मेरी सोना गुल्ला गुलाब जा के नाम से छपी थी, सिंधी बुक, सिंधी छोटे बच्चों की स्टोरीज़ की कहानियाँ थी, स्टोरीज़ थी। अच्छा उसके बाद एक शौक़ हुआ जब मेरी किताब छपी, मेरे वालिद साहब ने जब किताब देखी तो उन्होंने बड़ा इनक्रेज किया मुझे कि ये एक बहुत बड़ा काम आप कर गए हैं और इसको छोड़िएगा नहीं और इस काम को। और वो 9th क्लास के बच्चे के लिए तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, नो डाउट बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। एरा के अंदर आई गेस इट 90s की बात होगी। एग्जैक्टली 90s के अंदर नो इंटरनेट नो रिसोर्सेज कुछ भी नहीं था और सब बड़ी बात ये कि ये जो बुक कंपोज होती है ना, अभी आजकल तो हम कंप्यूटर पे कंपोज कर लेते हैं, ये पहले एक इतना मुश्किल मरहला हुआ करता था किसी ज़माने में कि वो मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना मुश्किल होता था उस वक्त, मतलब है कि बुक को छापना और प्रिंट करना एक बड़ी बात थी, स्ट्रगल राइट। तो आप क्या समझते हैं इस टेक्नोलॉजी के इस दौर के अंदर बुक्स का कल्चर कहीं कम नहीं होता जा रहा? हम देखते हैं लाइब्रेरीज पहले तो काफ़ी देखने में मिलती थी, लेकिन अब जो लाइब्रेरीज हैं उन लाइब्रेरीज का भी हाल वैसा नहीं रहा जैसा होना चाहिए और टाइम टू टाइम वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन की तरफ जा रही हैं। तो इस टेक्नोलॉजिकल एरा में बुक्स को प्रमोट करना आई थिंक इट इज़ नॉट लेस देन अ जहाद। आप बजा फरमा रहे हैं, आप ये जहाज़ से किसी तरह भी कम नहीं है क्योंकि टेक्नोलॉजी ने आके, हालांकि जो किताबें हैं उनकी अफादियत कम नहीं हुई है, लेकिन बज़ाहिर टेक्नोलॉजी के जो मतलब है कि वो जिस तरह की टेक्नोलॉजी छा गई है हम पर और सेलफोन आ गए हैं और टैब्स आ गए हैं और लैपटॉप्स आ गए हैं, तो उसमें किताबें कहीं खो गई हैं, किताबों से जो प्यार है वो कहीं कम हो गया है और ये मैं कहूँगा बदकिस्मती है हमारी कि हमारे जो आज की यंगर जनरेशन है वो किताबों से दूर होती जा रही है, लाइब्रेरीज जो हैं वो खाली पड़ी हुई हैं, इंटरनेट कैफेज़ जो हैं वो भरे हुए हैं, तो किताबें
अपनी अफादियत अब भी रखती हैं, और हमें चाहिए कि हम किताबों से फिर अपना जो है ना वो एक लिंक बनाएं और किताबों की तरफ दोबारा आएं, क्योंकि ये किताबें ही हैं जो हमें तरक्की की तरफ लेके जाएंगी। अच्छा, बुक रीडिंग के हवाले से आप क्या सजेस्ट करेंगे, किताब किस तरह से पढ़नी चाहिए कि उसमें दिलचस्पी पैदा हो? क्योंकि इंटरनेट पर जब हम जाते हैं तो वहाँ पर तो तस्वीरें होती हैं, ऑडियोज़ होते हैं, वीडियोज़ होते हैं, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा लगता है ना, ग्राफिक्स होते हैं, लेकिन किताबों में ऐसा कुछ भी नहीं है। सफ़ेद पन्ने पर काली इंक से कुछ लिखा हुआ है, तो उसमें दिलचस्पी कैसे पैदा की जाए? देखें, दिलचस्पी जब आप कि बच्चे के दिमाग में पेरेंट्स और टीचर्स शुरू से ही मुताले के से मोहब्बत की जो है ना वो एक बुनियाद रखेंगे, तो उसके बाद बच्चा जो है ना वो पढ़ने की तरफ रागिब होगा। ये जो आप कह रहे हैं कि भाई वहाँ पे मतलब है कि ग्राफिक्स हैं और तस्वीरें हैं, तो वो आपको दे कुछ नहीं रही, नॉलेज आपके पास कम आ रहा है, और फ़न जो है वो उस तरफ एंटरटेनमेंट की तरफ आप ज़्यादा जा रहे हैं। किताबें आपको मतलब है कि अच्छा, आपका ना तो टाइम ज़ाया करती हैं, ना किताबों में जो वो पॉपअप्स होते हैं, ना किताबों में कोई साइड में से अलग से आपको बुला रहे होते हैं कि इसको क्लिक करें इतना इनाम मिलेगा, इसको क्लिक करें ये आपको आपकी लॉटरी निकली है, या क्या आपने अभी तक इसको क्लिक करके नहीं देखा, आई हम आपको ये चीज़ दिखाते हैं। तो अब वो जो ना आप सब हम सब इसका शिकार हो जाते हैं। बुक्स में वो एडवर्टाइजमेंट नहीं, बुक्स में नहीं है, और बुक्स एक तो ऑथेंटिक होती हैं। अच्छा, ये जो वेबसाइट्स हैं ना, मैं वेबसाइट बना लूँ, ठीक है, और मैं वो मेडिकल साइंस की वेबसाइट बना लूँ और उसमें लोगों को मशवरे बैठ के दूँ, तो आप जब उस वेबसाइट को खोलेंगे तो आपको लगेगा कि ये मेडिकल साइंस की वेबसाइट है, और लिखी मैंने जो मैं कि इंजीनियर हूँ फॉर एग्जांपल, अब उसमें मैं कहाँ तक सही हूँ इस बात का मुझे पता नहीं है। बुक्स में ऐसी हरकत नहीं हो सकती। बुक्स जब छपती हैं तो वो एक बड़े एक मरहले के बाद, एक बहुत से स्टेप्स के बाद जाके छपती हैं, और उसमें रिसर्च बेस्ड होती हैं यूजुअली, तो उसमें ये चीज़ नहीं होती। तो वो चीज़ जो हमें बुक्स से मिलेगी वो इंटरनेट से वो हमें नहीं मिल रही। सो मैं आपका कुछ काम देख रहा था तो उसमें मुझे नज़र आया कि आपने एक सिंधी पीडिया भी बनाया है, और नाम बताता है कि ये विकिपीडिया से शायद कुछ इंस्पायर्ड है। हाँ, एग्जैक्टली, नहीं हाँ वही है। असल में क्या था कि आपको पता है कि मैं अंग्रेज़ी का उस्ताद हूँ, इंग्लिश में लेक्चरर हूँ, तो शुरू से ही मैं मतलब विकिपीडिया पे हमारे जो हैदराबाद की जो मुख्तलिफ जगहें हैं, लोग होके गुजरे हैं हैदराबाद के, सिंध के, पाकिस्तान के, उनके बारे में जब मैं विकिपीडिया पे लिखता था तो विकिपीडिया का एक अपना उनका एक क्राइटेरियन है, उस पर अगर आप पूरे नहीं उतरते तो वो आपको वो उधर आप वो जगह नहीं देता। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हमारे हैदराबाद में कोई ऐसा कोई बहुत मारूफ किस्म का गवैया कोई सिंगर है, लेकिन वो उसकी इंटरनेट पे उनकी मालूमात नहीं है, चाहे वो कितना बड़ा या बड़ा ही सिंगर क्यों ना हो, उसको वो नहीं रखते। कोई राइटर हो उसको नहीं रखते। इसको नज़र में रखते हुए मतलब मैंने वो वेबसाइट तैयार की है कि जिसमें हम अपने जो हमारे हीरोज़ हैं या हमारी जो भी हमारी मालूमात है हमारे शहर के बारे में, हमारे सूबे के बारे में, हमारे मुल्क के बारे में, वो हम रख सकें। तो शुरुआत जो है वो सिंध से की थी कि भाई, लेकिन अब उसमें सारे पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन रखते हैं। सिंधी पीडिया सिंधी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में। अच्छा, सिंधी पीडिया इंग्लिश लैंग्वेज, सिंधी पीडिया इंग्लिश लैंग्वेज में। हाँ, देखिए ना, लोगों को, बाहर के लोगों को पता ही नहीं है। अब एक मैं आपको छोटी सी एग्जाम्पल दूँ, मैंने जैसे जनरल होश मोहम्मद शहीद का नाम लिया, अब इतना बड़ा जो है ना वो अंग्रेज़ों के साथ उन्होंने स्ट्रगल की, लेकिन वो आपको उनके बारे में इतनी मालूमात नहीं मिलती, ठीक है। पीर सिबगतुल्लाह शाह सानी थे जिनको अंग्रेज़ों ने फांसी दी थी, हैदराबाद सेंट्रल जेल में फांसी दी थी, और उसके बाद वो उनसे इतना डरते थे, और वो मतलब वो तो मर्द मुजाहिद थे कि उनकी लाश तक जो है ना वो वापस उन्होंने नहीं की, और उनकी लाश को कहीं उन्होंने डिस्पोज ऑफ कर दिया, तो उनकी लाश जैसे टीपू सुल्तान की लाश से भी डर रहे थे। तो ये सारी चीज़ें कि भाई इन चीज़ों को भी सामने आना चाहिए, और अगर मैं सिंधी में लिख दूँ तो सिर्फ सिंध के लोग पढ़ेंगे, उर्दू में लिमिटेड हो जाए, उर्दू में लिख दूँ तो पाकिस्तान में, इंडिया में लोग पढ़ेंगे। तो अब वो इंग्लिश में इसलिए है कि सारी दुनिया के लोगों को पता चलना चाहिए कि हमारी तारीख क्या है, हमारी जो और हमारी जितनी भी चीज़ें हैं उनके बारे में उनको पता चलना चाहिए। अच्छा, अभी रिसेंटली आपने एक बुक एग्जीबिशन रखा था गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो हाउ इट वेंट, उसके बारे में जानना चाहूँगा। हाँ, असल में क्या है कि कुछ अर्सा पहले जब ये मीडिया पे चीज़ आई, तो मैंने पहले तो इतना मीडिया पे नहीं दिया हुआ था, कुछ टेलीविज़न चैनल्स ने इंटरव्यू किया, जब वो बात मीडिया पे आई, अखबारों ने छापा, तो भाई कि
200 से ज़्यादा किताबें हैं, तो हर तरफ मतलब एक बहुत इसे अच्छा भी मतलब लिया गया और कुछ मजाक भी होने लगे। जब बहुत बड़ी वेबसाइट्स ने मतलब है कि मेरे इंट्रोडक्शंस चलाए और इंटरव्यूज़ चलाए, तो उनके कमेंट्स आप पढ़ेंगे तो आपको हंसी आएगी। तो उसके नीचे लिख रहे हैं 200 बुक्स आर पेजेस। आज के दौर में तो एक एक पेज लिखना मुश्किल है। तो उसमें वो लिखा है 200 बुक्स। अच्छा, वो बोला कहाँ हैं किताबें, दिखाएं हमें। 200 किताबें, अरे अच्छा ये लिख ली। अच्छा, एक और मसला ये कि वो हैदराबाद को पता नहीं क्या, हमारे पाकिस्तान में ही, हमारे कराची के अब नाराज नहीं हो जाएं, या जो लाहौर के दोस्त हैं वो समझते हैं हैदराबाद एक गांव है। चले मान लिया गांव है, तो क्या टैलेंट गांव में नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, टैलेंट किसी की मिराज नहीं है। तो उन्होंने कहा कि भाई 200 किताबें। फिर जिस एक दो चैनल्स ने जब वो चलाया, तो वो जिस रिपोर्टर ने मतलब ये किया तो उस पर भी एक प्रेशर आ गया कि यार आप 200 किताबों की बात कर रहे हैं, आप तो कैसे आपने ये कह दिया कि 200 किताबें। या उसमें ये भी कहा गया कि भाई अंश टीयर्स जो है ना वो सबसे बड़ी पोएम है, तो बोले कहाँ है जी। तो जब ये एक क्वेश्चन मार्क आने लगा ना, तो फिर एक एक्सिबिशन का मतलब है कि बंदोबस्त किया हमने। मैं जहाँ पे पढ़ाता हूँ गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद, गवर्नमेंट कॉलेज हैदराबाद जो अब यूनिवर्सिटी है, तो वहाँ पे पढ़ाता हूँ, तो वहाँ पे एक नुमाइश का अहतमाम किया गया और मैंने वहाँ पे 200 किताबें पेश कर दी कि भाई ये हैं आपके सामने। फिर वो जर्नलिस्ट भी आए और हैदराबाद के शहरी भी आए, हमारे स्टूडेंट्स भी आए, और सब लोगों ने देखा फिजिकली उठा के किताब को कि किताब है या नहीं है, किताब है, कब छपी है, क्या टॉपिक है, कौन से पब्लिशर ने छापी है, पब्लिशर का एड्रेस क्या है, कहाँ है। तो वो फिर सारी चीज़ें सामने इस वजह से, और वो बहुत अच्छी एक नुमाइश थी। और मज़े की बात आपको बताऊँ कि उस नुमाइश के बाद काफ़ी मेरे स्टूडेंट्स हैं वो अब चीज़ें लिख लिख के मुझ तक लेके आते हैं कि सर Great. अब हम भी लिखेंगे। सो इंस्पिरेशन मिली है, इंस्पिरेशन डेफिनेटली। उन्होंने जब देखा कि अच्छा, उनको ये चीज़ भी अच्छी लगी कि नुमाइश हो रही है, टेलीविजन चैनल्स आ रहे हैं, इंटरव्यूज ले रहे हैं, इंटरव्यू वो एक जो है लाइमलाइट में। हाँ हाँ, वो कि भाई सर के इंटरव्यूज आ रहे हैं, टीवी पे आ रहे हैं सर, ये तो हमारे टीचर हैं। हाँ, तो फिर हाँ, तो उनको भी एक इंस्पिरेशन मिली कि भाई वो कुछ भी लिखना शुरू कर लिखना शुरू तो ये बुक एग्जीबिशन बेसिकली इट वाज एन आंसर टू योर क्रिटिक्स। एग्जैक्टली एंड आई इनवाइटेड देम टू गो टू द एग्जीबिशन एंड जस्ट लुक। 200 किताबें हैं और किताबें हैं, और ऐसा नहीं कि भाई किताब ऐसे नहीं, बस ऐसे ही तस्वीरें छाप दी हैं, ऐसा नहीं है। हर अपनी टॉपिक, अच्छा मोस्ट ऑफ द बुक्स आर टेक्स्ट बुक्स, जो मेरी ज़्यादातर किताबें ना वो टेक्स्ट बुक्स हैं, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स हैं, ग्रामर की बुक्स हैं, जैसे अभी आपने कहा था कि डिक्शनरीज हैं और ये हैं, तो वो उन्होंने जब देखा तो उन्होंने कहा हाँ है, अब सही है भाई, ये हकीकत है, अब सही। राइट, सो हाउ अबाउट योर एजुकेशनल जर्नी? यू आर बेसिकली एन इंजीनियर हु टर्न्ड लेटर ऑन एज एन एजुकेशनिस्ट, तो ये ट्रांजिशन कैसे हुआ? ये ट्रांजिशन असल में क्या है कि देखें, शुरू से ही आपका एक बचपन से ही एक किस्म एक ख्वाब होता है ना आपका। अब जो इंजीनियरिंग का ख्वाब, वो मेरे पेरेंट्स का ख्वाब था। मैं बचपन से ही या तो आर्टिस्ट बनना चाहता था, कुछ मतलब कैलीग्राफी कुरान करीम की आयात में लिखता था और वो, या फिर मैं टीचर बनना चाहता था। लेकिन मेरे फादर जो हैं वो मुझे इंजीनियर देखना चाहते थे। अब डेफिनेटली पेरेंट्स के ख्वाबों को तो हम, तो आप पहले इंजीनियर बन गए? नहीं, तो हाँ मैंने कहा कि ठीक है, नो प्रॉब्लम, अच्छी चीज़ है, अच्छी बात है। तो मैंने अपना जो ख्वाब था ना वो साइड में रखा और मैं इंजीनियर बन गया। और मैंने इंजीनियर जब मैं बन गया, मैं इंजीनियर बनने के बाद मैंने इंजीनियर की जॉब भी मैंने की ना, एक मतलब है कि आई वॉज असिस्टेंट डायरेक्टर। तो अच्छा, जब वो हो गया तो मैंने अपने फादर से कहा कि बाबा देखें, आपका ख्वाब था ना कि आपका बेटा इंजीनियर हो गया पूरा, मैंने तो कर दिया। बोला दैट्स फाइन। मैंने बोला लेकिन अगर मैं टीचर बनना चाहूँ, तो उन्होंने कहा दैट इज़ फाइन, वो भी ठीक है। उन्होंने कहा अगर आप ये बोले, अगर आप पहले हमें बता देते तो हम आपको शुरू से ही इजाज़त दे देते। हमने कहा नहीं, हम आपका ख्वाब था, आपने रख दी, आपका ख्वाब था कि भाई मेरा बेटा इंजीनियर बनना चाहे, तो उनको बन के जब इंजीनियर बन गए। अच्छा, उसके बाद मैंने जो है वो, जब मैं एज एन इंजीनियर काम कर रहा था, तो मैंने इवनिंग में MA इंग्लिश में दाखिला लिया। सही। अच्छा, ये भी एक तवील दास्तान है कि वो मुझे यूनिवर्सिटी वाले दाखला भी नहीं दे रहे थे कि इंजीनियर आके MA इंग्लिश कैसे करेगा। फिर ये कभी आपको बाद में बताऊंगा कि वो कैसे, वो एक मतलब है कि वो जंग थी जो लड़के, फिर मैंने डिग्री हासिल की। मतलब मुझे आपके साथ एक और नशा। एग्जैक्टली, उस पर आप ज़रूर करें। अच्छा, तो फिर जैसे मैंने MA इंग्लिश की, तो फिर लेक्चर का कमीशन मैंने
क्लियर किया, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चरर सिलेक्ट हो गया तो वहाँ से मैंने रिज़ाइन कर दिया। राइट। सो अच्छा, टीचिंग में भी आपकी जो टीचिंग टेक्निक्स हैं, आपके जो कोलीग्स हैं, उनसे मैंने ये अक्सर सुना है कि सर जुल्फ़िकार भट्टी साहब जो हैं ये अपनी क्लास के अंदर बड़े ही जो है एक नया माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, ही ऑलवेज ट्राइज टू ब्रिंग समथिंग न्यू इन द क्लास। अब ये तो जो है ना वो उनकी मेहरबानी है, ऐसे कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, अल्लाह का करम है। बस असल में देखें, टीचर जब क्लास में जाता है तो उसकी कामयाबी तब है जब जितने भी बच्चे क्लास में बैठे हों वो सब उसको ना सिर्फ सुन रहे हों बल्कि वो जो चीज़ उन्हें डिलीवर करना चाहता है, वो जो चीज़ उन्हें बताना चाहता है, वो उस चीज़ को हासिल कर लें। इसके लिए आपको अपनी क्लास को एक तो लाइव रखना होता है, सारी क्लास को इकट्ठा लेके चलना होता है, दूसरा आपकी क्लास में डिसिप्लिन होना चाहिए तो क्योंकि ऐसा माहौल होना चाहिए। अब डेफिनेटली ना नया करने से कुछ आप बच्चों से फ्रेंडली हो रहे हैं, नए तरीके से पढ़ा रहे हैं, उनको जो है ना वो क्या कहते हैं हम उनको एक आपकी एनवायरनमेंट दे रहे हैं तो फिर वो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं और अच्छा पढ़ते हैं, रिजल्ट भी लेके देते हैं। सो आप क्या समझते हैं हमारा जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके डिक्लाइन की वजह क्या है? क्या टीचर्स वजह हैं या सिस्टम में ही कोई प्रॉब्लम है कि हम उस तरह, जैसे अभी मैं रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ रहा था कि हमारा जो लिटरेसी रेट है वो कोविड की वजह से और ज़्यादा इतना नीचे की तरफ जा रहा है कि हम इवन नेपाल और भूटान से भी पीछे चले गए। दोबारा मुझे कहना पड़ रहा है, दुख तो है लेकिन बदकिस्मती से ये जो आप बता रहे हैं बिल्कुल सही है। देखें, डिक्लाइन कोई एजुकेशन का जो डिक्लाइन है ना उसमें एक कोई फैक्टर नहीं है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एक साथ मिलके इस तबाही का जो है ना वो बायस बने हैं। ठीक है, उसमें मैं हमारी जो कम्यूनिटी है टीचर्स की कम्यूनिटी उसको मैं बरीउ ज़िम्मा करार नहीं देता कि वही उनका कोई भी कसूर नहीं है और हम बिल्कुल हम जो है ना वो दूध के धुले हुए हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन यह है कि सिर्फ उनका कसूर नहीं है, उनका कसूर अगर है तो थोड़ा है, ज़्यादातर कसूर आपके सिस्टम का है। ज़्यादातर कसूर अगर मैं कहूँगा तो फिर व्यूअर्स भी फिर नाराज़ हो जाएंगे, तो पेरेंट्स कहाँ जाते हैं, उनका कसूर कहाँ जाता है? वो जो बच्चे को भेजते हैं तो वो क्या मतलब है उनको तरबियत देके स्कूल भेजते हैं? हाँ, डेफिनेटली आपको अगर मैं एक मटेरियल दूं, मैं आपको आटा दूं तो आप उससे रोटी बनाएंगे, मैं आपको मिट्टी दूं तो आपके ऊपर डंडा लेके बैठ जाऊं कि आप इसमें से मुझे रोटी बना के दें, तो फिर आप वो जो रोटी बनाएंगे वो खाने जैसी तो नहीं होगी ना। अब ये भी कहानी है, पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है, हमारी गवर्नमेंट जो है ना वो पॉलिटिकल कभी कभी भर्तियां कर देती है टीचिंग्स की, जो कमीशन में तो नहीं होती वैसे टीचर्स जो होते हैं। अच्छा, उसके अलावा चीटिंग है, कॉपी कल्चर है। अब देखें, मैं अभी भी अगर एग्ज़ाम हो ना तो आप आइएगा, मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरह पेरेंट्स जो है ना सेंटर्स के बाहर खड़े होके और अपने बच्चों को चीटिंग करवाने के चक्कर में होते हैं। बिल्कुल। अब तो अब ये भी नहीं है कि सिर्फ पेरेंट्स हैं, तो अब ये कॉपी कल्चर है, फिर पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट है रिक्रूटमेंट ऑफ टीचर्स में, फिर टीचर्स की तरफ से भी है, ये सारी चीज़ें मिल के हमारी जो है ना वो तबाही का, तालीम की तबाही का बायस बनी है। इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी? ये सब चीज़ों को अगर एलिमिनेट कर दें तो उसके बाद इम्प्रूवमेंट आ जाएगी? देखिए, इम्प्रूवमेंट अल्हम्दुलिल्लाह आ चुकी है तालीम के सेक्टर में, एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट आ चुकी है, ये काफ़ी चीज़ें तो सॉल्व हो चुकी हैं, लेकिन देखें इसका जो रिज़ल्ट है वो हमें कुछ अर्से के बाद ही नज़र आएगा। आप इस वक्त भी चलें, मैं आप अपना कैमरा उठाएं, किसी भी स्कूल में चले जाएं, मैं नहीं ये कहता कि भाई फलां स्कूल में जाएं, भाई गवर्नमेंट हाई स्कूल में जाएं, होप फिल हाई स्कूल में जाएं, या मुस्लिम कॉलेज में जाएं, या गवर्नमेंट कॉलेज में जाएं, नहीं, आप सुबह उठें किसी भी स्कूल में चले जाएं, टाइम 8:30 बजे का टाइम है, आप एग्जैक्ट 8:30 बजे आप देखेंगे कि क्लास में बच्चे भी हैं और टीचर भी है, और ये इस मामले में और पढ़ा रहा है और अटेंडेंस भी है। ठीक है, आप कॉलेज चलें, कॉलेज में जाएं, अच्छा फिर ऐसे नहीं कैमरा छुपा दें कहीं और खड़े हो जाएं, देखें कि एक क्लास के बाद दूसरी क्लास में टीचर आता है, नहीं आता है, बिल्कुल आता है। और मैं तो कहूँगा कि अभी जो है ना वो हमारे जो कॉलेजेस हैं और स्कूल्स, ये प्राइवेट स्कूल से भी बेहतर होते जा रहे हैं। राइट जी। अच्छा, रिसेंटली मैंने कुछ और चीज़ें भी देखी थी रिगार्डिंग द हमारे जो सिंध के प्रोफेसर एंड लेक्चरर्स हैं, उनका कोई टाइम स्केल का इशू चल रहा था, हाउ व्हाट वाज दैट? हाँ देखें, आपने तो कहते हैं ना कि दुखती रंग पे हाथ रख लिया के, देखें इसमें बहुत सीधी सी बात है कि जो टीचर है, जो जॉब कर रहा है, जो सर्व कर रहा है, तो उसे
उनके फाइनेंशियल बेनिफिट मिलने चाहिए उनको. जब वो नहीं होंगे, आप किसी को आप सही वेजेस नहीं देंगे तो वो काम में तो डेफिनेटली ना कुछ वो खराबी तो नहीं, डंडिया नहीं, खराबी आएगी, ऑटोमेटिकली आएगी. देखिए सिंपल टाइम स्केल का इशू ये है कि एक टीचर लेक्चरर है, ग्रेड 17 में होता है, 5 साल, 10 साल, 12 साल, 15 साल, 17 साल, 18 साल तक ग्रेड 17 में होता है. अच्छा, उसके दूसरे किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं आप, ठीक है, जो 17 ग्रेड में फॉर एग्जांपल असिस्टेंट कमिश्नर आता है तो वो 17-18 साल में 20 ग्रेड में चला जाता है. बिल्कुल. और जब वो 20th ग्रेड में होता है और टीचर अभी तक 17th जो ग्रेड में है, वो उसकी सैलरी आधी से भी कम होती है. बिल्कुल. तो फिर जो है ना वो तो एक रेस्टलेसनेस तो आएगा. तो टाइम स्केल का मतलब ये है कि भाई अगर आप अपने सिस्टम की खराबियों की वजह से टीचर्स की प्रमोशंस नहीं कर पा रहे तो एक टाइम फिक्स कर दें, उतने टाइम के बाद आप उसे उसका फाइनेंशियल बेनिफिट दें. ठीक है, आप वो उसको बाद में उसको प्रमोट कर दीजिएगा, लेकिन जैसे कहें ना, एज पर रूल आफ्टर 7 ईयर्स इन टीचर डिजर्व्स टू बी प्रोमोटेड. राइट. ठीक है, अब देखें मुझे 11 साल हो गए इस फील्ड में, प्रमोशन अभी तक नहीं हुआ. तो ये जो मतलब है कि ना 4 साल गुजर चुके हैं और मुझे जो फाइनेंशियल लॉस हो रहा है, ये तो मेरी जो है क्या कहते हैं आप उसको, परफॉर्मेंस पे तो असरअंदाज होगा. जब मैं देखूंगा कि मेरे साथ दूसरे डिपार्टमेंट में जो भर्ती हुआ था, जो रिक्रूट हुआ था, वो इस वक्त 18 में है और 19 में जाने वाला है, मैं अभी 18 में भी नहीं जा पा रहा. तो टाइम स्केल का मतलब ये है कि आप एक टाइम फिक्स कर दें, उस टाइम के होने के बाद आप जो एम्प्लॉइज हैं, जो टीचर्स हैं, उनको आप फाइनेंशियल बेनिफिट उनका नेक्स्ट ग्रेड, उनका ग्रेड ना बढ़े लेकिन उनको पे जो है वो मिल ग्रेड वाली एग्जैक्टली मिलनी चाहिए. और उसके बाद जैसे टाइम आए तो आप उसको अच्छा, वैसे टाइम असल में क्या है, उसमें भी लेट जो होती है ना वो सिस्टम की वजह से होती है. अब भाई तो हम कहते हैं टाइम स्केल ये है, टाइम स्केल. राइट. सो अच्छा, अब बिल्कुल हम एंड की तरफ है, मैं चाहता हूँ जाते जाते, अब पिछले दिनों साईं कलंदर शाह लखियारी का इंतकाल हुआ, अल्लाह उन्हें गरीब रहमत करे, उनके बारे में आपके कुछ अल्फाज, क्योंकि मैं अक्सर देखता हूँ आपका बड़ा एक क्लोज रिलेशन था साईं से. जी देखें, आप कभी कभी हम जो है ना वो चीज़ों को नहीं बोल पा रहे होते ना, वो अब साईं कलंदर शाह वो सिर्फ नाम के कलंदर नहीं थे, वो हकीकतन कलंदर थे. आप मतलब हजरत शाह अब्दुल्ली मिठाई ने एक शेर कहा है, उनका एक शेर है, तो मुँह से रिठा माओ जिन्हें डिठो पिरी खे तनी संधि का करे न सगा गालड़ी. शाह साहब फरमाते हैं कि भाई मैंने रब को तो नहीं देखा लेकिन मैंने उनको देखा है जिन्होंने रब को देखा था, जो रब के करीब थे. तो सर कलंदर वो थे जो मतलब है कि अल्लाह ने उन्हें बहुत बड़े मर्तबे पर फायज किया था, बहुत बड़े इंसान थे. डाउन टू अर्थ देखिए, यही तो बड़े आदमी की निशानी होती है कि वो जितने बड़े थे उतने ही काइंड थे, उतने सादा थे, उतने ही जिसे आपने कहा डाउन टू अर्थ थे. बस क्या उनके बारे में, मुझे एक ही मुलाकात रही तो उसमें मैंने जो जज किया कि साईं ही वाज लाइक बच्चों में जो है ना घुल मिल जाते थे. साईं वो अपनी जितनी कदावर पर देखें, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी के वो कंपाइलर हैं, तो जितनी बड़ी उनकी शख्सियत थी ना वो उनकी जो है वो. और ये क्रेडिट भी हैदराबाद शहर के पास है कि हैदराबाद शहर ने ऐसी शख्सियत भी प्रोड्यूस की. हाँ देखिए, उनका एक जो नॉलेज का तो वो समंदर थे. अच्छा, एक नहीं, दो नहीं, पाँच नहीं, आठ नहीं, दस नहीं, 13 लैंग्वेजेस पे उन्हें फुल कमांड था. 13 लैंग्वेजेस ना सिर्फ बोल सकते थे, समझ सकते थे, लिख सकते थे. और कुरान उन्हें याद, तो अहादीस उन्हें याद, तो हाफिज़ उन्हें याद, तो इकबाल उन्हें याद, तो गालिब उन्हें याद. अच्छा, मैं अंग्रेज़ी वालों के नाम इसलिए नहीं ले रहा, तो वो तो उनका सब्जेक्ट था. वो तो उनका सब्जेक्ट था. और उनकी जो डिलीवरी का अंदाज था, बस वो क्या, मैं आपको छोटा सा एक वाक्य बताता हूँ कि जब मैं इंटरव्यू दे रहा था लेक्चरशिप का, तो जब मुझसे सवाल किए जा रहे थे तो मुझे ऐसे लग रहा था कि साईं कलंदर शाह साहब ना विस्परिंग करके यहाँ पे मुझे बता रहे हैं. ग्रेट. तो इट वाज रियली ग्रेट. तो दूसरे दिन मैं साईं के पास चला गया, मैंने कहा सर आप इस तरह हुआ है मेरे साथ, तो सर ने कहा बेटा देखें इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, ये भी बड़े आदमी की निशानी है. बिल्कुल, वो क्रेडिट नहीं लेते. हाँ, बोला इसमें मेरा कोई निशानी है, आप क्लास में ज़्यादा आपने अच्छी तरह सुना होगा, और जब कोई चीज़ हम अच्छी तरह सुन के दिमाग में बिठाते हैं ना, तो जब वो रिकॉल करनी होती है तो ऐसे लगता है कि वही जो है ना वो चीज़ दोबारा चल रही है.
बिल्कुल, तो इट वाज अ ग्रेट लास्ट हैदराबाद शहर के एग्जैक्टली जो है वो जन्नतुल फिरदौस में जगह था फरमाए सर। ग्रेट, थैंक यू सो मच, आज आपके साथ नशेज बड़ी जबरदस्त है, बहुत सारी बातें हुई और ये मेरी शायद लॉन्गेस्ट एपिसोड बनेगा, तो अभी भी बहुत सारी बातें रह गई हैं जो फिर कभी किसी इंशाल्लाह। वेल व्यूअर्स, थैंक यू सो मच आज के इस एपिसोड के लिए, हमने आपके सामने काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग बातें रिगार्डिंग एजुकेशनल सिस्टम, बुक्स, राइटिंग्स, इन सारी चीज़ों को आपके सामने रखा। आप अपने तासुरात के बारे में हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा कि इस एपिसोड को आपने कैसे इन्जॉय किया। अगले एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।